हेलो फ्रेंड्स, अभी हमें लाइट ग्रे कलर से पेपर के आधे पोर्शन तक लाइट ग्रे कलर लगाना है। उसके बाद में हमें डार्क ग्रे कलर बनाना है और उससे माउंटेन की आउटलाइन क्रिएट करनी है। ध्यान रखना है पीछे का जो ग्रे है उससे वो हल्का सा डार्क रहेगा। उसी कलर से हमें माउंटेन को पूरा ग्रे कलर से फिल करना है। उसके लिए हमें फ्लैट ब्रश का यूज करना है। माउंटेन का जो डायरेक्शन है उसी अनुसार हमारे स्ट्रोक्स होने चाहिए। उसके बाद में हमें साफ पानी लेना है और फ्लैट ब्रश से जिस एरिया में हमें पेंट करना है वहाँ पे हमें फ्लैट ब्रश से सिर्फ पानी लगाना है। जहाँ पे पेंट करेंगे वहाँ पे हमें पानी लगाना है। ध्यान रखना है उस समय हमें सिर्फ फ्लैट ब्रश का ही यूज करना है। फिर डार्क ग्रे कलर से हम उसके ऊपर डॉट डॉट से पेंट करेंगे और नीचे की ओर उसे खींचेंगे। ऐसे ही हमें दूसरे साइड से भी करना है। हम पानी से दूसरी ओर ब्रश से पानी लगाएंगे और उसे फ्लैट ब्रश से ही हमें करना है। पानी हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। सेम प्रोसेस से हम डार्क ग्रे कलर से डॉट डॉट से जहाँ पर पानी लगाया है वहाँ पर हम पेंट करेंगे। पानी कलर हमारा थोड़ा लिक्विड होना चाहिए और जहाँ पे पानी लगाया वो एरिया भी थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए। हम थोड़ा दूर का जो इफ़ेक्ट है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो नीचे हमें ब्रश से वही उसी कलर को खींचना है। थोड़ा वाटरी इफेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। ऊपर से डार्क ग्रे कलर से टैप करते हुए हमें उसको नीचे की ओर खींचना है। उसके बाद में हमें वाइट कलर लेना है। फ्लैट ब्रश से हमें फोर माउंटेन के नीचे फोर फिंगर्स तक वाइट कलर से पेंट करना है। उसके लिए हमें फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल करना है और वाइट कलर में थोड़ा सा दो ड्रॉप पानी डालना है। फोर फिंगर तक हमें वाइट कलर लगाना है। उसके बाद में उसी वाइट कलर में थोड़ा सा ब्लैक मिला के उसका ग्रे टोन करके नीचे के साइड में हमें वो फ्लैट ब्रश से लगाना है और उस ऊपर वाले वाइट में उसको मर्ज करना है।
नीचे से ऊपर कलर मर्ज होते हुए दिखना चाहिए। पेपर के राइट साइड में हमें एक ट्रायंगुलर शेप क्रिएट करना है, जो कि हमें ज़मीन का पोर्शन है उसको रफ ब्रश से, जिसके बाल खराब है उससे हम टैबिंग करते हुए ग्रास का इफेक्ट क्रिएट करेंगे। ग्रास करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें पूरा फील नहीं करना है। दूसरे साइड भी हमें टैबिंग करते हुए वैसा ही इफेक्ट क्रिएट करना है, जो कि बहुत सारे जो पेड़ पौधे या ग्रास का इफेक्ट है, टैबिंग करते हुए हमें ड्राइंग के लेफ्ट साइड में कॉर्नर में क्रिएट करना है। टैबिंग करते हुए ध्यान देना है कि हमारा ब्रश सीधा रहे, 90 एंगल में हम उसको टैबिंग करते हुए चलाएंगे। उसके बाद में ब्लैक कलर से हमें उसकी शैडो क्रिएट करनी है, डार्क जो पोर्शन है नीचे के साइड का डार्क पोर्शन हम फील करेंगे।